सो हेलो गाइस, भूषण देसाई सीएमजी बाय डिग्री ब्लॉगर बाय चॉइस एंड यस अ वीडियो एडिटर बाय पैशन। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है कैनवा में एडिटिंग कर सकते हो, फुल प्रूफ वीडियो एडिटिंग, स्टार्ट टू बेसिक टू एडवांस, पूरा देखेंगे इस वीडियो में। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आपको पता होगा कि कैनवा एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फोटो प्रोसेसिंग मतलब फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ होता था अभी तक, मतलब कुछ सालों तक। बट इन्होंने रिसेंटली वीडियो का भी पूरा सेक्शन एक नया लाया है जिसमें कि फुल प्रूफ वीडियो एडिटिंग आप वहाँ पे कर सकते हो एंड यस फ्री में विदाउट एनी पेइंग अ सिंगल रुपी, वो भी लैपटॉप पे। आप अच्छे खासे लेवल पे एडिट कर सकते हो उसको, लैपटॉप और ऐप पे दोनों पे कर सकते हो। सो यस, यही आज हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। आपको बेसिक से एडवांस में सिखाऊंगा कि आप कैनवा में एडिटिंग कैसे कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सो डू कंटिन्यू एंड वॉच टिल दी एंड, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू सीधे चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे जहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। ओके, लेट्स गो। सो गाइज, तो हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे canva.com ओपन कर लिया है। जैसे आप भी ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे साइन इन या साइन अप करना है अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे है तो साइन इन करना है, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं है तो साइन अप करना है। तो अगर मैं साइन इन यहाँ पे करता हूँ जैसे मेरे ईमेल आईडी से, सो यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अभी यहाँ पे इंटरफेस के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अब अभी होम पे है तो होम पे आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि अगर डायरेक्टली यहाँ पे आपको सर्च बार मिलता है कि आपको किस टाइप का वीडियो बनाना है, ओके, प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, सोशल मीडिया वीडियोस बनाने हैं, अगर वीडियो बनाना है या फिर प्रिंट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट प्रिंट करें जो टी शर्ट प्रिंटिंग या आपको पोस्टर्स बनाने हैं उसके लिए, मार्केटिंग के लिए अगर कुछ आपको वहाँ पे चीज़ें चाहिए, मॉकअप्स चाहिए वो, ऑफिस के लिए अगर कुछ चीज़ें आपको ऐसे बनानी हो, स्टेशनरी प्रिंट करना या फिर ऐसा कुछ, वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको एजुकेशन प्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी वो लोग आपको दे देते हैं कि अगर आपको उसका यूज़ है तो यू कैन यूज़ दैट। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे होम प्रोजेक्ट्स, अभी योर प्रोजेक्ट्स एज इन के आपने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए हैं वो यहाँ पे सारे दिखेंगे। देन टेम्पलेट्स, अगर आपको कोई टेम्पलेट ढूंढना है तो वो आपसे यहाँ से ढूंढ सकते हो। शेयर्ड विद यू, मतलब कि अगर आपका जो प्रोफाइल है आपको अगर किसी को वीडियो शेयर करना है, समझो एक एक्स वाई जेड बंदे ने मुझे वीडियो शेयर किया है ऑन माई ईमेल थ्रू कैनवा, तो वो मुझे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। देन ट्रैश, अगर कुछ डिलीट करते हो तो यहाँ पे रहेगा। अभी यहाँ पे क्लास वर्क्स भी होते हैं, जैसे कि आप एक क्लास बना सकते हो उसमें अपने स्टूडेंट्स को आप आपका एक्सेस दे सकते हो आपके क्लास का, तो वो एक अलग कैनवा का एक पूरा ये हो जाता है, मतलब कि सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आप एक क्लासरूम बनाते हो एंड आप आपके स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक्सेस देते हो। देन डिस्कवर ऐप्स, कुछ ऐप्स का इंटीग्रेशन है कैनवा के साथ तो वो यहाँ पे है। ब्रांड किट है, जैसे कि आपको समझो आपकी ब्रांड जो है कुछ कलर्स के साथ खेलती है तो वो कलर्स जो है आप ऑलरेडी एक ब्रांड किट उसका बना सकते हो एंड वही बार बार यूज़ कर सकते हो, आपको वापस कलर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन कंटेंट प्लानर भी है हमारे पास, जो कि एक बड़ा यहाँ पे एक अलग से एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर भी है कि आपको वहाँ पे पूरा कंटेंट आप सही से प्लान कर सकते हो कि मेरा ये तारीख को ये जाएगा, ये तारीख को ये जाएगा एंड वहाँ से आप पोस्ट भी कर सकते हो। सो इन पे आते हैं आगे। उसके अलावा यहाँ पे रीसेंट डिज़ाइंस कुछ देख सकते हो आप, जो कि आपने बनाए होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। अगर आपने नया यहाँ पे अकाउंट बनाया है तो ये आपको ऑफकोर्स नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई ही होम की। देन आते हैं टेम्पलेट्स, तो टेम्पलेट्स जैसे मैंने कहा कि हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, हर एक बिज़नेस के लिए यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस के बारे में, मतलब आपको जो कुछ चाहिए ना ग्राफिक के बारे में जो कुछ चाहिए या वीडियो के बारे में, वो यहाँ पे आपको टेम्पलेट ऑलरेडी उस पर रहेगा, ठीक है। देन आते हैं फीचर्स। फीचर्स में जैसे मैंने कहा कि फ़ोटोज़ आपको एडिट करने हैं या फिर आइकॉन्स बनाने हैं या फोटो प्रिंट करना है, प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना है, ऐप्स के लिए अगर यूज़ करना है या फिर आपको समझो कैनवा डाउनलोड करना है, मतलब आप जो कैनवा है वेबसाइट से भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो आपका मैक, विंडोज़, एंड्रॉयड या iOS में। सो गाइस, नेक्स्ट है लर्न करके, एक यहाँ पे आपको टैब मिल जाता है जहाँ पे आपको कैनवा पे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं डिज़ाइनिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, ये सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं। सो यू कैन चेक दैट आउट टू एंड आप वहाँ से भी सीख सकते हो।
ठीक है। एंड फिर आता है टेम्पलेट्स में, यार टेम्पलेट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे अच्छे खासे इन्होंने पूरा दिया है, जैसे कि मार्केटिंग, जैसे मैंने बोला मार्केटिंग, बिजनेस, इंग्लिश, मैथ्स, डिज़ाइन, हर एक फील्ड पे, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको सारी डिज़ाइन मिल जाती है, स्टाइल के हिसाब से मिल जाती है, मिनिमलिस्टिक, मॉडर्न, सिंपल, एलिगेंट, क्रिएटिव, मिनिमल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे आप डायरेक्टली भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हो। एंड यस, यहाँ पे कुछ हेल्प सेंटर है, अकाउंट सेटिंग है, नोटिफिकेशन है एंड आपका अकाउंट है। इसके अलावा इसके इंटरफेस में और दिखाने जैसे कुछ है नहीं। सो गाइस, ये बात तो हो गई इंटरफेस के बारे में, अभी देखते हैं कैसे आप जो है आपका फर्स्ट वीडियो एडिट कर सकते हो, कैसे उसको आपको करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो है व्हाट विल यू डिज़ाइन, तो यहाँ पे हमको चाहिए वीडियो। तो वीडियो जैसे ही यहाँ पे डालोगे आपको बहुत सारे यहाँ पे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो वीडियो पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करते हो आपको इधर हज़ारों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ फ्री है, कुछ पेड है, जो यहाँ पे क्राउन रहता है, यहाँ पे प्रो लिखा है, तो ये पेड टेम्पलेट्स है, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। बट ये यहाँ पे बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स भी है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो अभी देखते हैं कि कैसे हमको वीडियो एडिट करना है। तो एक ब्लैंक टेम्पलेट ले लेते, क्योंकि हम बेसिक से करने वाले हैं, अगर आपको टेम्पलेट यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो अभी इसमें देखते हैं कैसे आप जो है पहले आपका फुटेज इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक तो कैनवास है, ये हमारी टाइमलाइन है एंड हमको अभी वीडियो एडिट करना है। तो पहले इंपोर्ट कैसे करना है वीडियो, सिंपल यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ये ले लेते हैं। सो यहाँ पे हमने हमारी वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, आपने देखा होगा। ये बस इसको हमको एडजस्ट करना है स्क्रीन के हिसाब से, तो ये हमारी एडजस्ट हो गई, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी वीडियोस डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे आपके लेफ्ट साइड सेक्शन में, यहाँ पे आपको अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, अपलोड्स का। यहाँ पे इमेजेस भी है एंड वीडियोस भी है, तो आप यहाँ पे आके अपलोड मीडिया पे अगर क्लिक करोगे तो आपका ये खुल जाएगा, आपका कंप्यूटर, वहाँ से आप कोई भी जो फुटेज आपको चाहिए वो यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, अगर ऑडियो अपलोड करना है तो वो भी यहीं से होगा। समझो आप इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो तीनों अपलोड कर रहे हो, ये अपने आप यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। वीडियोज़ है वो वीडियोज़ की इसमें दिखेंगे, ऑडियो है ऑडियो इसमें दिखेंगे। सो गाइज, और एक चीज़ यहाँ पे जो इन्होंने नई डाली है, दैट इज़ रिकॉर्ड योर सेल्फ, दैट इज़ कि आप यहाँ पे जाके आपको खुद को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे कैमरा ऑन हो चुका है हमारा एंड कुछ टाइम लेता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फोटो आ गया है, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं जैसे हम चाहे, स्क्वायर चाहिए हमको या फिर फ्लिप करना है, या फिर यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाने हैं वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है ऐप, ठीक है। तो इसको कट कर देते हैं, एग्जिट स्टूडियो, अगर वो आपको ऐड करना है वी कैन ऐड दैट टू, ठीक है। उसके बाद एडिट एंड ट्रिम कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ कि आपको अगर इसको ट्रिम करना है तो यहाँ पे अगर आप आओगे टाइमलाइन पे, तो यहाँ पे ये आपको एरो दिख रहा होगा, राइट, ये एरो, तो इसको पकड़ के अगर हम लेफ्ट राइट करेंगे तो हमारा वीडियो ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको रखना है, लेफ्ट की तरफ लेना है, तो ये ट्रिम होते जाएगा। अगर राइट से ट्रिम करना है तो यहाँ से इसको एंड में लेके जाओ एंड राइट से ट्रिम कर दो। अभी ऊपर आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा कि कितने सेकेंड्स का हमको वीडियो चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लेंगे। जैसे अभी 6.42 सेकंड्स का है, तो मुझे और छोटा करना है, हम 1-2 मिनट का ही लेते हैं। अभी ट्रिम तो आपको पता चल गया, अभी देखते हैं कट कैसे करना है, ठीक है। ये जो आपका प्ले हेड है, ठीक है, अब ये जो देख रहे हो यहाँ पे 0.0 सेकंड्स, कितने सेकंड्स है, 18.2 सेकंड्स, तो ये प्ले हेड जहाँ पे भी होगा वहाँ पे वो कट आप कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको कट करना है वहाँ लेके आना है एंड आपको आपके वीडियो पे राइट क्लिक करके यहाँ पे स्प्लिट पेज का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हो ये वीडियो एक हो गई, ये वीडियो दो हो गई। वैसे ही समझो मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना है, यहाँ पे लाया एंड स्प्लिट, तो अभी मेरे पास तीन वीडियोस हो गई यहाँ पे, पेज वन देख सकते हो, पेज वन, पेज टू एंड पेज थ्री। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जितने चाहे उतने ज़्यादा क्लिप्स को ट्रिम कर सकते हो। समझो आपको कुछ अनवांटेड पार्ट हटाना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। सो गाइस, अभी देखते हैं कि हम बी रोल्स कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपको आपका इंट्रो यहाँ पे डालना है, ठीक है। अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंट्रो है, तो मैं पहले इसको निकालता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे डालना है। तो समझो अभी ये वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे एक बी रोल डालना है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एक कोई फोटो बी रोल डालना है, ठीक है, अभी ये मतलब बी रोल एजन क्या होता है कि मेन वीडियो हमारा चल रहा है एंड उसके ऊपर हम एक कोई तो एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल रहे हैं जिसका वॉइस नहीं होगा, सिर्फ वीडियो या फिर फोटो रहेगा। तो एक बार फोटो वीडियो डाल देते, कोई भी यहाँ से ही हम वीडियो एक सिलेक्ट कर लेते हैं, टेम्पलेट्स में जाके यहाँ पे वीडियो डाल देते हैं, एडिटिंग ये वाला उठा लेते, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वीडियो यहाँ बीच में घुस गई, ठीक है, ये देखो हमारी क्लिप के बीच में घुस गई है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे ये वीडियो यहाँ पे डालनी है तो सिंपली मुझे यहाँ पे लाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो बीच में घुस जाएगी, ठीक है, तो एक नई वीडियो करके घुसेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। बट अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये इसके ऊपर वीडियो आई है एंड देख सकते हो कि ये वीडियो तो है, इसके नीचे हमारी वीडियो है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं और छोटा करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये वीडियो हमारी है, इसके नीचे और एक वीडियो है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको जो टाइमलाइन होती है बड़ी सी वो यहाँ पे दिखती नहीं है, तो माइंड यू थोड़ा सा यहाँ पे एक कुछ चीज़ है जो कि ये लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा फीचर है यार वैसे भी है। सो यहाँ पे समझो मैं इसको डाल रहा हूँ एंड अगर हम अभी वीडियो प्ले करते हैं यू कैन सी रहेगा, अभी करते हैं इसको अनबॉक्सिंग, इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, देखा आपने कैसे रहा वो। तो यहाँ से जैसे ही आप जितनी ही क्लिप आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर जाके कितनी आपको क्लिप चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन ऐड दैट। अभी देखा यहाँ पे इस क्लिप बड़ी हो गई, अभी इसको हमको अगर छोटा करना है तो इसको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ से छोटा कर देंगे। अगर हम ये क्लिप डिलीट करते हैं तो आपने देखा उसके नीचे और एक हमारी क्लिप है, ओके, तो इसको पकड़ के हम कर देते हैं डिलीट, तो हमारी जो क्लिप है नीचे वाली वो वैसी की वैसी है एंड ऊपर वाला वीडियो डिलीट हो गया। तो ये थोड़ा सा आई नो के कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट जैसे मैंने कहा कि हमको जिस ऑडियो के ऊपर बी रोल डालना है वहाँ पे बस आके हमको ये क्लिप को डाल के यहाँ पे प्ले करना है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा वीडियो चल रहा है, मिल जाएगा अभी करते हैं इसको अनबॉक्सिंग, हमारा जो बी रोल है वो ऊपर हमने बस रख दिया है ताकि वो कितने सेकंड्स के लिए चले वो हमको बस अभी इसको बताना है। वो यहाँ से बता सकते हैं हम कि मुझे ये सिर्फ 2 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए ही चाहिए, डन। ये वीडियो स्लाइड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अभी करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। अगर मैं इसको हटाता हूँ अब देख सकते हो कि नीचे वो वीडियो है। सो समझो अगर मुझे ये जो क्लिप है बी रोल वो पूरे वीडियो में नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही चाहिए, तो मैं इसको पहले देखूंगा कि मुझे कहाँ तक चाहिए, तो वो टाइम बार मैं वहाँ पे लेके आऊँगा, देन वो वीडियो को वहाँ से स्प्लिट कर दूँगा एंड इस वाले पार्ट में से ये जो बी रोल है इसको डिलीट कर दूंगा। तो हमारा जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सिर्फ इतने पार्ट के लिए ही रहेगा एंड बाद में यहाँ से चले जाएगा। सो होप आपको समझा होगा, कुछ नहीं समझा है तो मुझे आप कमेंट में पूछिए, मैं इसके ऊपर एक एग्जैक्ट पूरा एक बड़ा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि हाउ टू ऐड टाइटल्स, तो टाइटल्स बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फास्ट जाते हैं यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट पे आपको आना है, यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, जैसे मैं मेरा नाम ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेरा नाम लिख दिया है, अभी इसको हम जो है ट्रांजिशंस भी दे सकते हैं कि ये कैसे एनिमेट होगा, ठीक है, एनिमेट कैसे होगा। तो यहाँ पे आएंगे एनिमेट के सेक्शन में ऊपर एंड यहाँ से अगर इसको हमको एनिमेट करना है वो हम कर सकते हैं, ओके। देन आपको इसके पीछे अगर बैकग्राउंड कुछ डालना है तो वापस हम एलिमेंट्स में आएंगे एंड इसको कट करके एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया लाइंस एंड शेप वाला, इसके पीछे डाल दिया, फिर इसको सिलेक्ट करके बड़ा कर लिया, इसको कलर चेंज कर दिया वाइट में, टेक्स्ट चेंज कर दिया रेड में, फिर ये जो पीछे वाला एनिमे हमारा ये है इसको भी अगर हम एनिमेट करते हैं अच्छे से, फीड इन फीड आउट करते हैं। सो अगर मैं इसको अभी प्ले करता हूँ तो ये कैसे प्ले होगा, होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका हमें चेक किया होगा, इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है होगा बेसिक। तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो,
अभी एक चीज बस यहाँ पे याद रखिए, आप जो भी चीज ऐड कर रहे हो पूरे फुटेज को लगेगी, तो बस ध्यान रखना कि जहां तक आपको वो चीज चाहिए वहां पे ऑलरेडी वो क्लिप जो है स्प्लिट कर लेना, जैसे कि मुझे सिर्फ इसी क्लिप पे वो चाहिए होगा। आपको इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी ये वाले क्लिप पे मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे आके वो चीज डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आया मैं, ये चीज यहाँ से डिलीट कर दी, तो ये सिर्फ यही तक ही रहेगी, बेसिक तक ही रहेगी। आपको इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। यहाँ पे लाना है, एक प्लग लाना है, चला गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आपके टाइटल्स यहाँ पे डालिए, आप यहाँ पे ट्राई आउट कीजिए, अलग अलग क्रिएटिव बनिए, एंड डू लेट मी नो अगर कुछ क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं। सो गाइस, अभी देखते हैं कि कैसे आप इफेक्ट्स या ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा वीडियो यहाँ पे चल रहा है या जो भी है, अभी मुझे इसके बीच में ट्रांजिशन डालना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमलाइन पे प्लस का सिंबल है, जैसे ही आप उस प्लस पे क्लिक करते हो तो आपको दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो ऐड पेज एंड ऐड ट्रांजिशन। तो मैं ऐड ट्रांजिशन पे क्लिक करूँगा एंड मुझे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजिशंस मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं समझो ये वाला स्लाइड वाला सिलेक्ट कर लिया, कैसे स्लाइड जाना है वो भी सिलेक्ट कर लिया, कितने सेकेंड के लिए जाना है, स्लो जाना है फास्ट जाना है वो सिलेक्ट कर लिया, एंड जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ कौन से लिए थे दे रहा हूँ, एंड इस स्लाइड का भी लिंक जाएगा अभी कहते हैं इसको, समझे। तो बहुत ही इजी है चीज़ें यहाँ पे, बस आपको पता होना चाहिए क्या करना है, एंड यू कैन डू वट एवर यू वांट। सो डू ट्राई दिस आउट, ट्रांजिशंस आप यहाँ पे अच्छे से लगा सकते हो। म्यूज़िक अगर आपको ये फुटेज पे ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, ऑडियो अगर आप मोर में जाओगे तो ऑडियो, एंड यहाँ पे समझो हैप्पी विसलिंग उकुलेले ले लेते हैं, एंड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे बीच में कर देना है, तो म्यूज़िक जहाँ आपने वो प्ले हेड रखा है वहाँ से ही लगेगा। तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे ड्रैग कर सकते हो लेफ्ट राइट, एंड म्यूज़िक लग जाएगा। कौन से लिए थे, चीप थे ऑप्शन बट यस, देखा। तो इसी तरीके से आपको अगर कुछ नया वीडियो आपका डालना है, ऑडियो डालना है, आप यहाँ पे अपलोड्स पे जाके ऑडियो अपना अपलोड कीजिए, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए तो भी वो आ जाएगा। आप डायरेक्ट ड्राइव से, फोटोज से, ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी ऑडियो डायरेक्टली उठा सकते हो। तो ये यहाँ पे अच्छा इन्होंने एक ऑप्शन दिया है, आपको बस आपका अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑडियो डल गया, देन हम आते हैं कि एडजस्ट कैसे करना है ऑडियो को। तो ऑडियो भी अगर जैसे हमने वीडियो एडजस्ट करते सिमिलर वे में यहाँ पे ऑडियो एडजस्ट करना है, बट यस अगर आप बैकग्राउंड ऑडियो डाल रहे हो तो आपको उस बैकग्राउंड ऑडियो ऑफकोर्स आपके मेन ऑडियो से कम चाहिए, जैसे कि कौन से लिए थे, चीप थे ऑप्शन, ये आपने सुना होगा। तो इसमें मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है, फिर बैकग्राउंड ऑडियो आ रहा है, तो अगर मुझे वो करना है ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि बैकग्राउंड वॉइस को कम करना पड़ेगा, बैकग्राउंड आवाज़ को। तो सिंपली मैं बैकग्राउंड वॉइस को कम करने के लिए यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा ऑडियो पे, देन यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है राइट में वॉल्यूम का, एंड इसको कम कर दूंगा, जैसे कि मैं रख दूंगा 38। अगर मैं इसको अभी प्ले करता हूँ तो देखो कौन से लिए थे, चीप थे ऑप्शंस बट ये राइट, मेरा आवाज़ अभी अच्छे से आ रहा है। अगर और भी कम करना है तो और कम कर देते हैं, दे वर गुड, सो इट इज़ जल्दी खराब हो गया, थोड़ा सा कम वॉल्यूम में बहुत अच्छा चल रहा है। सो इसी तरीके से आप भी आपका जो ऑडियो डालोगे मेक श्योर कि बैकग्राउंड ऑडियो है तो उसको कम करना है, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड ऑडियो आपके मेन ऑडियो से ज़्यादा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, सो ये एक चीज़ होगी। देन अगर आपको इसमें ग्राफिक्स ऐड करना है बहुत आसान है, एलिमेंट्स पे जाइए, जो चाहिए वो ग्राफिक्स उठाइए, जैसे रॉकेट वाला है यहाँ पे डाल दिया, वो अपना चलता रहेगा पूरे फुटेज में। कौन से लिए थे, चीप थे ऑप्शंस, ठीक है बट यस पूरे फुटेज में चलेगा। तो जैसे मैंने कहा पहले भी कि आपको अगर कुछ ग्राफिक्स या फिर कुछ वीडियो डालना है तो मेक श्योर वो उतना फुटेज आप पहले कट करो, उतने सेकंड का फुटेज आप पहले ही कट करो। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट किया है, उतने फुटेज के लिए ही हमको एक ग्राफिक डालना है, दूसरे फुटेज के लिए मैंने डिलीट कर दिया। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे खराब हो गया, यहाँ तक चलेगा लाइट उनका बहुत अच्छा, यहाँ पे वो ग्राफिक आया। अभी इस ग्राफिक को भी आप एनिमेट कर सकते हो अगर आपको चाहिए, कैसे आना है ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, राइट, सो यू कैन प्ले विद इट, जो आपको चाहिए कैसे चाहिए, एग्जिट कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो लास्ट पार्ट पे आते हैं, जैसे कि पूरा वीडियो हमारा एडिट हो गया तो अभी इसको करना एक्सपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे ऊपर शेयर पे, एंड यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड पे,
शेयर पे आके डाउनलोड पे जाके आप अब देख सकते हो कि यहाँ पे MP4 वीडियो है। अगर आपको किसी और फॉर्मेट में करना है, जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि एक वीडियो है, MP4 में आए एंड कौन सा पेजेस, तो सारे पेजेस ही हमको डाउनलोड करने हैं, मतलब जो वीडियो बनाया है हमने सारे पेजेस से बनाया एंड इसको कर लेंगे डाउनलोड। तो ये ऑफकोर्स कुछ टाइम लेगा यहाँ पे डाउनलोड होने, एंड जैसे ही डाउनलोड हो जाता है आपने आपके डाउनलोड्स फोल्डर में ये आ जाएगा एंड यू कैन शेयर इट। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा था कि आप इसको डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो आपके सोशल मीडिया पे, तो अगर आपने यहाँ पे शेयर ऑन सोशल पे सिलेक्ट किया है ऑप्शन, तो यहाँ पे आपके अकाउंट्स आप कनेक्ट करके डायरेक्टली आपके सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हो या शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, तो होप आपको समझा होगा गाइस कि कैसे आप जो है कैनवा में एडिटिंग कर सकते हो। आई नो कि थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, बट मेक श्योर कि अगर आप इस पर आधा घंटा भी बैठोगे ना, आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करना है, क्या करना है। एंड मेरा वीडियो वापस देखो, आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा। डोंट वरी, ऐसे सिर्फ देख के नहीं होगा, देखते देखते अप्लाई भी करो तभी वो होगा। ठीक है, कुछ डाउट्स एंड क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। एंड अगर इसी तरीके से वीडियोज देखना है तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड एज ऑलवेज चीयर्स।